जिनके चुकाने पड़े भगवान राम बनने की सजा। अभिनेता अरुण गोयल अपने असली नाम से अधिक रामनंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण के राम के रूप में जाने जाते हैं। अरुण के नाम के साथ राम की छवि इस कदर एक रूप हो चुकी है कि उनका नाम आते ही मन में कोई और तस्वीर नहीं आती। अरुण गोयल अपने नाम से ज्यादा रामायण के राम के रूप में जाने जाते हैं। राम के रूप में घर घर में पहचान बनाने वाले अरुण ने राम की भूमिका को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि राम का किरदार ही उनकी दूसरी पहचान बन गई। राम का रोल करने के बाद उन्हें इसका खामियावा अपने करियर में भी भुगतना पड़ा। मेरठ में 12 जनवरी 1958 में जन्मे अरुण गोयल 17 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मुंबई चले गए थे और व्यवसाय में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अभिनेता में अपना करियर बनाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें छोटे पर्दे के राम के रूप में पहचान हुई। इतने नाटकों और फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें इस सब की कीमत चुकानी पड़ी। वह जहाँ भी जाते वहाँ पर लोग उनके पैर छूने लग जाते और इसी की वजह से बरसों की लगी नशे की लत को भी छोड़ना पड़ा और रामायण के बाद उन्हें भगवान के ही किरदार मिलने लगे और लाइफ टाइम के लिए ही उन्होंने रामायण के किरदार से ही जाना जाने लगा। भले ही रामायण को 3 दशक हो चुके हैं लेकिन अरुण गोयल आज भी केवल टीवी के राम के रूप में ही पहचाने जाते हैं। ये थी SM News रिपोर्ट।